हेलो फ्रेंड्स, बैंकर्स मोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवांस मैथ्स में दोस्तों हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लाइन एंड एंगल के कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल डी सी, ये दोनों जो रेखाएँ हैं, ये दोनों जो लाइनें हैं वो समांतर हैं, वह डी ई पैरेलल बी एफ। तो एक्स और ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए, इस एक्स का और ए सी डी यानी ए सी डी यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने तीन कॉन्सेप्ट बताए थे, उन तीन कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं और तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे वो आपको पता होने चाहिए। मैंने तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से बताए थे, पहला कॉन्सेप्ट यही था सरल रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे कितने भी एंगल बने हो उनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइन पर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर खींच दी जाए तो उसमें चार एंगल बनते हैं, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको आप बोलते हो, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अंतः कोण। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बाकी जो तीनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें चार मैंने एंगल बताए थे। ठीक है, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक त्रिभुज जो त्रिभुज होता है उसका जो बाह्य एंगल होता है अपोजिट एक्सटेरियर एंगल, ये अपोजिट एक्सटेरियर एंगल जो है इसका जो मान होगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे और इन तीनों पर ही बेस्ट सारे क्वेश्चन हैं। तो आज का जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो भी इन्हीं पर बेस्ट ही है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और 40 और 65, इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर आप 180 में से 180 डिग्री में से 105 डिग्री घटाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बचेगा, 180 में से 40 और 65 तो ये हो गए, तो ये से जो शेष बचा एंगल 75 डिग्री, 75 डिग्री। मुझे बताइए, इसने कह रखा है कि ए बी और डी सी समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों आपस में समांतर है, उस पर एक तीर रेखा ये आ गई। तो मुझे बताइए कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसमें आगे ये दे रखा है डी ई समांतर बी एफ, डी ई समांतर बी एफ। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को अगर मैं आगे तक थोड़ा बढ़ा दूं तो यहाँ पर ये जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी कोई रेखा, तो उसको मैं बोल देता हूँ पी बोल देता हूँ उसे। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। ठीक है, आपस में दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों कोणों का योग मैंने बोला था अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनका टोटल होता है 180 डिग्री। एक 180 डिग्री में से अगर ये 75 है तो ये कितना रह जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री ये हो गया, 105 डिग्री। अगर ये 105 डिग्री है तो मुझे बताइए, मैंने बोला था अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो था वो त्रिभुज पर बेस्ड था कि त्रिभुज का जो बाह्य एक्सटीरियर एंगल जो है, ये वाला एंगल है जो है, ये इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होगा, इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। तो ये 105 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, अब ये वाला एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, तो मुझे बताइए कि ये जो 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा क्या, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है यानी एकांतर कोण है, ये और ये दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं, इसका मतलब ये 65 है तो ये भी 65 एंगल हो जाएगा। ये 65 डिग्री है ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये त्रिभुज के इन दोनों कोणों का योग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 105 डिग्री होगा क्या। ये जो त्रिभुज का जो बाह्य एंगल है, मैंने बोला था त्रिभुज का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के बराबर होता है, तो 105 डिग्री ये है तो ये 65 डिग्री है, तो 105 में से अगर आप 65 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, तो ये आपका जो एंगल है वो 40 डिग्री आ जाएगा। तो ए कोण ए सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया, किस तरह से 40 डिग्री
आया है। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए आकृति में ए ई यानी ए ई सी डी समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और बी सी समांतर बी सी समांतर ए डी यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वाई का मान को बताना है, तो मुझे बताइए, या आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, अगर ये सिरसा विमुख कोण जो है, अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक सरल रेखा पर बने कोणों का 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये एंगल जो है ये 110 है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल जो है वो 70 डिग्री का हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सिरसा विमुख कोण मान के या फिर एकांतर कोण मान करके, कैसे भी, ठीक है। मुझे बताइए कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों क्या है, संगत कोण है, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा क्या, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा क्या, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपस में संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है, संगत कोण हो जाएंगे। और ये 110 है तो इन दोनों कोणों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से 180 में से अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना रह जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कुल मिलाकर वो अच्छे तरीके से इसमें यूज होगा। फिर आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए आकृति में एक्स वाई पैरेलल आर एस, एक्स वाई पैरेलल आर एस यानी ये वाले रेखा इसके समानांतर है, तो ए और बी का मान क्या है, ए तो ये है और बी ये है। देखिए इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाली रेखा दोनों समांतर हैं और ये इस पर तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा काटी गई, तो जब भी तिर्यक रेखा उस पर अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको एक तिर्यक रेखा पर बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं, जबकि इनके अंतर कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो मुझे बताइए ये भी 70 डिग्री होगा क्या, ये भी 70 डिग्री होगा, 70 में से अगर ये आपको ये 30 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, तभी तो दोनों का जो टोटल होगा वो 70 होगा, ये 40 और ये 30, ठीक है, 40 और 30 70 हो जाएंगे, बी की वैल्यू आपको 40 डिग्री आ गई, 40 डिग्री आ गई, 70 में से ये 30 और ये 40 हो गए। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू आपको बतानी है, ए की वैल्यू बताने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो दोनों समांतर लाइन है इस पर अगर मैं ये जो तिर्यक रेखा है वो आगे तक बढ़ा दूँ तो मुझे बताइए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर लाइन पर एक तिर्यक रेखा खींचने पर उस पर एकांतर कोण बन रहा है, यानी ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये त्रिभुज का जो बाई एंगल है इन दोनों एंगल के टोटल के बराबर होगा क्या, तो ये 40 और ये 40, ठीक है, तो इन दोनों के टोटल के बराबर ए का मान हो जाएगा, तो ये 40 और 40 80, ठीक है, समझ में आ गया होगा को कि कैसे, ठीक है, मैंने ऐसे बताया, ठीक है, जिसमें से ये कि अगर भाई ऐसा था ये 70 डिग्री था तो ये टोटली जो होगा, ये टोटल जो होगा वो 70 डिग्री होगा, ठीक है, 70 में से अगर ये 30 है तो दूसरे वाला जो एंगल है वो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर ये 40 है, फिर उसके बाद में मैंने ये बोल ये, इसमें ये दे रखा है ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि इन ये जो पैरेलल लाइन है इस पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस पर ये अल्टरनेटिव एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री होने के बाद में मैंने बोला था कि एक त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, अपोजिट साइड में एक्सटीरियर एंगल होगा वो दोनों एंगल के टोटल के बराबर होगा, तो ये 40 है और ये 40 है तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो 80 डिग्री इन दोनों के बराबर ये वाला एंगल होगा, ठीक है, तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा और बी जो है तो ए आपका 80 डिग्री और बी जो है वो 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। यदि एक्स यानी एक्स की वैल्यू आपको पूछी है इसने, ये जो अक्ष है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसको आप आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का टोटल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो
टोटल होगा, इन दोनों, ये जो दोनों कोण हैं इनका टोटल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो 41 और 65 106, ठीक है, 41 और 65 106 डिग्री हो गया। अब ये 106 डिग्री और ये 39 डिग्री, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाला जो कोण होगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। तो ये 106 डिग्री और ये 39 डिग्री, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 145 डिग्री। ये यहाँ पर आ गया कि ए ओ सी जो है 145 डिग्री होगा। अब 145 डिग्री में से ये 145 डिग्री है, अगर ये पूरा जो टोटल है, ये पूरा जो टोटल है वो जब 360 होता है, जिसमें से आपको ये वाला एंगल जो है ये 145 दे रखा है, तो आप इसमें से 145 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आपके पास शेष रह जाएगा, ये वाला एंगल, यही आपको पूछा था। तो आप जब भी माइनस करेंगे तो ये 215 डिग्री आपका रह जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 215 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में कौन सी ए बी 62 डिग्री है, ये सी बी है, ये आपको सारी वैल्यू इसमें पुट करके दे रखी है, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये 62, ये 76 है, फिर उसके बाद में ये 58 डिग्री है और ये 66 डिग्री है। तो मुझे बताइए, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, जिसमें से अगर आपको दो एंगल दे दिए जाए, दो एंगल दे रखे हैं, तो तीसरे का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 62 और 76, ये कितना हो गया, 62 और 76, तो ये हो गए टोटल इनका 138। जब आप 138 इसमें से घटा देते हैं तो 42 डिग्री, ये 42 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर उसके बाद में ये 42 है, तो ये 42 है और ये 58 है, ठीक है। तो 42 और 58 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। जब मैंने बोला था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तो 180 में से दोनों को टोटल करके आप जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो ये आ गया 80 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये वाला एंगल है ये 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो है वो 100 डिग्री हो गया। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये 42 हो गया और ये हो गया 80 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, कि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, शीर्षाभिमुखकोण, शीर्षाभिमुखकोण जो आते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मुझे बताइए, ये 66 है, ये 80 है, तो कितना हो जाएगा, 66 और 80, 6 और 8 6 14, ये 146 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का टोटल जो है वो 146 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 में से आप 146 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 डिग्री, ठीक है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री रहता है, और फिर उसके बाद में एक रेखा पर जितने भी कोण होते हैं उनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज जो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल जो होता है उसके अंतः कोणों का जो होता है वो बाह्य एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स डिग्री जो है वो 36 डिग्री आपको जो है एक्स का मान जो है 36 डिग्री आपको दे रखा है, तब वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स की वैल्यू 36 डिग्री तो वाई का मान, एक्स की वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक्स की वैल्यू आपको 36 डिग्री ये दे रखा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9 10, 108 डिग्री हो गया, ठीक है। 100, अभी एक रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा पर जो टोटल होता है वो कितना होता है, टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 में से जब आप 108 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, 2y + 3x, ये रेखा है, इस रेखा पर कितने कोण बने हैं, 2y + 3x, और इनका इस रेखा पर बने कोणों का टोटल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से आपको x की वैल्यू दे रखी है, तो 3 × 36 और 180 डिग्री, और ये y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो 180 में से ये आप
36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री और 2y इज इक्वल टू 2y, ये कितना आ जाएगा 72। 72 में आप सब 2 का भाग देंगे, 36 दूनी 72। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है, यदि कोण BAF 98 डिग्री और ये आपको एंगल मतलब सारे एंगल आपको दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज नए भी पढ़ो ना तो उसमें आपको डायग्राम देकर रखा होगा और उसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड दी होंगी। मैं बताओ अगर ये दोनों रेखाएं जो है ये समानांतर हैं, ये वाली AB और CD समानांतर हैं क्योंकि इसने बोल रखा है लैंग्वेज में, अगर इसके समानांतर, क्योंकि मुझे तो इसके अलावा और कोई उसका अगर इसको इजी बनाना है तो अगर इसके समानांतर मैं एक रेखा और खींच दूँ इसके समानांतर, ठीक है, तो ये मैंने इसके समानांतर AB और FG मान लो FG मैंने इसके समानांतर खींच दी। तो मुझे बताइए दो रेखाएं जब समानांतर है, ठीक है, और उस पर मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर डाल दी तो इन दोनों का जो टोटल होगा भाई अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है, भाई 180 डिग्री होता है तभी ये समानांतर होती है, और ये समानांतर पर एक तिरेकी डाल दी जाए तो अंतः कोणों का तभी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अंतः कोणों का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर डाल दी जाए। दो ये दो पैरेलल लाइन है AB और FG, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इस पर मैंने एक ये ट्रांसवर्सल लाइन इस पर डाल रखी है AF, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों कोणों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 180 में से आपको ये 98 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर 180 में से ये 98 डिग्री दे रखा है तो दूसरे वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, कितना रह जाएगा, ये 82 डिग्री, ठीक है। ये 82 डिग्री है तो मुझे बताइए 144 में से अगर ये 82 डिग्री है तो दूसरे वाला एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल रह जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। और मुझे बताइए कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है, समानांतर है, समांतर है और इस पर ये तिरेक रेखा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, संगत कोण है, तो ये 62 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो है ECD, कोण ECD की वैल्यू जो हो जाएगी वो 62 डिग्री हो जाएगी, ECD की वैल्यू 62 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में PQ और RS जो है समानांतर रेखाएं हैं, रेखाओं PQ और LM के बीच में कोण बताना है। PQ और RS जो है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये जो रेखा है ये क्या हो गई, तिरेक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये 55 है तो ये 55, तो देखो 55 को इसने डिवाइड करके दे रखा है 30 और 25 55, तो टोटल कितना हो गया 55। फिर उसके बाद में LM और PQ के बीच में कोण एंगल बता मतलब पूछा इसने। तो अगर PQ और LM को हम समानांतर सिद्ध कर देते हैं तो PQ और LM के बीच में जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोण पूछे कभी भी तो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको पहले लाइन सिद्ध तो करें, तो LM को अगर मैं RS के समानांतर सिद्ध कर दूँ तो LM जो है वो PQ के समांतर भी समांतर मानी जाएगी। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, और LM को अगर मैं RS के समानांतर सिद्ध कर दूं तो LM जो है वो ऑटोमेटिकली PQ के समांतर भी मानी जाएगी। तो अगर मैं LM को RS के समांतर कैसे सिद्ध करूं, भाई दो रेखाएं तभी समानांतर होगी जब उनके अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी इनके अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं ऑटोमेटिकली ही समांतर मानी जाएंगी, दोनों रेखाएं पैरेलल मानी जाएंगी। तब जब इन दोनों कोणों का जो योग है यानी अंतः कोणों का योग जो है वो अगर 180 डिग्री हो जाए किसी भी तरीके से, तो देखते हैं अपन अगर इन दोनों के अगर मैं इसके ये जो रेखा है, ये रेखा है जो ये जो रेखा है इसको अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं, ठीक है। तो अगर आगे तक मैंने बढ़ाया, देखते हैं कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री आता है, अगर 180 डिग्री आता है तब तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल मानी जाएगी। तो लेकिन अपन चेक करते हैं कि ये 180 डिग्री बनता है क्या। अगर ये 155 डिग्री है, मुझे बताइए अगर ये 155 डिग्री है तो एक रेखा पर अगर 155 डिग्री बना हुआ है तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, तो ये आपका 25 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप ये भी देखिए, उसके बाद में ये भी देखिए कि ये टोटल जो है ये 55 डिग्री दे रखा आपको, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है, देखिए ये जो त्रिभुज है 30 और 25, इन दोनों का 30 और 25 टोटल मिलकर कितना हो गया, 55 डिग्री। इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल 55 डिग्री हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर आप 55 डिग्री माइनस करते हैं तो कितना रह जाएगा,
125 डिग्री, देखिए 5 और 7 में से 5 गए 2 और 125, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना रह जाएगा 125 डिग्री। अगर ये 125 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना है, ये तो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा मिक्सअप सा हो गया। तो अगर ये 55 डिग्री है और मैंने इसको आगे तक बढ़ाया, मैंने इसको आगे तक बढ़ाया, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आया 125 डिग्री। अब देखिए 125 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, ये दोनों समांतर होंगे या नहीं होंगी, इसके लिए हमें सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि ये 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे। तो अगर ये 125 और 55 दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं क्या, देखिए 180 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये LM जो है ये RS के समानांतर है तो ये PQ के समानांतर में मानी जाएगी, और दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसका जो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए आकृति में AB समांतर CD और AC समांतर BD, AC समांतर BD, तो आपको ये दे रखा है कौन सा EAC, तो EAC ये वाला जो एंगल है वो आपको 40 डिग्री दे रखा है, और FDG ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 55 डिग्री दे रखा है। तो HAB XD दे रखा है, तो X की वैल्यू आपको बतानी है। मुझे बताइए अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है और ये इस पर तिरेक रेखा हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण होंगे क्या, संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये 55 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में सिर सभी कोण है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी 55 डिग्री हो जाएगी ये वाला एंगल, क्योंकि आपस में सिर सभी कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको ये 40 डिग्री दे रखा है और ये 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो ये 55 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर ये वाला एंगल, तो आप इन दोनों को 180 डिग्री में से घटा दीजिए, ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 95, और 95 आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 180 में से पहले तो आप 90 घटा दीजिए, बीस को सीधा डायरेक्ट घटाने का तरीका क्या होता है, 180 में से पहले तो 90 घटा दीजिए, तो 90 बच गए, 90 में से फिर आप 5 और घटा दीजिए, ठीक है, तो 85 डिग्री हो गया, पहले 180 में से पहले तो 90 घटा दिया तो 90 हो गए, फिर उसमें से 5 एक्स्ट्रा था वो और घटा दीजिए तो 85 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 85 डिग्री, ठीक है। अगर ये 85 डिग्री है, अगर ये 85 डिग्री है तो ये वाला एंगल इस ये जो रेखा है AB और ये CD ये समांतर रेखाएं हैं और ये इस पर तिरेक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है, तो ये अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 डिग्री। तो उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गया करते में AB समांतर CD, AB समांतर, ये AB के समांतर कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है CD, फिर उसके बाद में एंगल PTB इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी PTB ये वाला जो एंगल है ये 55 डिग्री है, DVS जो है DVS ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो उसके बाद में CUQ यानी CUQ ये वाला एंगल CUQ और RTP इन दोनों का टोटल आपको बताना है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका टोटल आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 45 डिग्री है, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि AB के समांतर CD है, ठीक है, AB के समांतर CD है, तो इस पर ये तिरेक रेखा हुई, ठीक है, उस पर ये तिरेक रेखा हुई और ये भी तिरेक रेखा हुई, ठीक है, अगर ये तिरेक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो तिरेक रेखाएं जब दो तिरेक रेखाएं आपस में काटते हैं तो इसका ये कोण है, ये कोण आपस में बराबर होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिरसा भीम कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होंगे, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में सिरसा भीम कोण बराबर होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो दोनों क्या है समांतर लाइन पर ये तिरेक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इसके संगत कोण है, ये इसके संगत है, तो मतलब जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, यानी जितना डिग्री यहाँ पर बना था उतना ही डिग्री ये ऊपर यहाँ पर बना रहा है, तो संगत कोण यानी
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 55 डिग्री ये 55 डिग्री। मुझे बताइए अगर त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री रहता है जिसमें से आपको दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, ये 55 और ये 45, ठीक है, तो ये एंगल कितना फिर बचेगा, तो 45 और इन दोनों को जोड़ करके आप 180 में से जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है आपका कितना बच जाएगा, ये एंगल 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो दो तीर की रेखाओं के काटने से आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताइए फिर ये भी ये आपस में दोनों क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जरूरी नहीं कोई भी दो समांतर रेखाओं वही काटे, दो तीर की रेखाएं जहां कहीं भी काटते हैं ना तो आमने सामने के कोण जो है वो बराबर हो जाते हैं, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण जो है इसके सामने का कोण ये वाला है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 55 डिग्री हो गया। अब आपको पूछा था कि सी यू क्यू और आर टी पी इन दोनों का टोटल पूछा था, तो सी यू क्यू ये सी यू क्यू तो हो गया 55 डिग्री और आर टी पी हो गया 80 डिग्री, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। तो फ्रेंड्स लाइन एंड एंगल के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और तीन कॉन्सेप्ट पर ही सारे क्वेश्चन किए हैं, और तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बार बार में रिपीट भी कर रहा था और सारे क्वेश्चन जो है उन तीनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। और क्वेश्चन किस तरीके से अपन सोल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन जिस भी तरीके से अपने सोल्व किए हैं वो आप एक बार इनको वापस से ट्राई करना। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।